बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए, ये मेरे और हमारे सारे साथियों के अनशन का छठवां दिन है और मेरी तबीयत थोड़ी नीचे है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हम सब अभी तो ठीक हैं सिवाय मेरे, क्योंकि थोड़ा सा बुखार सा है मुझे, तो हम अभी ये छठवां दिन है और इस इंतजार में हैं कि लद्दाख के जो समस्याएं हैं उसके समाधान का जो उस पर बातचीत हो और देश के नेता हमें समय दे या फिर हमारे जो टॉक्स चल रहे थे उसको दोबारा शुरू करने की डेट दें। तो इसलिए हम अभी इसी अनशन पे हैं और रहेंगे। क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, वो अपना समर्थन जताने आए कि वो और उनके सभी साथी किसान इस मुद्दे पर लद्दाख के साथ हैं और यही बात कर रहे थे कि जो आश्वासन देते हैं सरकार उन पे वो अमल नहीं करते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। जिस पे मैंने कहा कि हमारा तो चुनाव घोषणा पत्रों में लिखित में दिया हुआ वचन था, तो वो बोल रहे थे ऐसा आजकल हो रहा है कि घोषणा पत्रों में लिख के भी पूरा नहीं करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जीतते हैं लोग, मत देते हैं, वोट देते हैं घोषणा पत्र में दिए गए वचन को देखकर, और फिर उसके बाद सरकार करे या ना करे, कुछ भी करे, तो फिर चुनाव एक मजाक बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि देश में जो भी चुनाव हो उसमें जो वचन देते हैं घोषणा पत्रों में वो कोर्ट में चैलेंजेबल हो, ताकि कोई भी पार्टी कोई भी नेता ऐसे वचन दे ही नहीं जो वो पूरा नहीं कर सकते, और जो देते हैं वचन उसको पूरा करे ही। क्योंकि अगर इस पे ध्यान ना दें तो इसका मतलब है चुनाव पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बोल के चुनाव जीत लें तो फिर इस लोकतंत्र का एक मजाक सा बन जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल है, नींव है लोकतंत्र की। ये चलेगा जैसे मैंने कहा है, मैं हमेशा इसे एक एक हफ्ते बढ़ाता जाता हूँ। पहला एक हफ्ते का था, दूसरा दो हफ्ते का, तीसरा तीन हफ्ते का, अभी ये मृत आमरण है मगर चार हफ्ते का है, ताकि जो भी पहले हो मृत्यु या अनशन की तारीख। फिलहाल तो, सर फिलहाल किस चीज से सर्वाइव कर रहे हो? पानी और नमक, बस इसी पे। जी, तो सरकार से कोई बात या कोई सर कोई या कोई खबर कुछ अभी तक सरकार की तरफ से कोई मेडिकल टेस्ट कुछ हो अभी तक आपका? जी, मेडिकल टेस्ट थोड़े बहुत हो रहे हैं मगर बहुत सीमित है, यहाँ पर सहूलियत बहुत सीमित है। ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा डर है कि कोई मलेरिया या डेंगू ना हो, क्योंकि बुखार भी हो रहे हैं, तो ऐसा सुविधा यहाँ नहीं है। सर, आपने कुछ ये सरकार से इसके इसके ऊपर कुछ बात की सरकार?